Hey everyone, so in this class we will be looking at George Eliot. George Eliot सुन के बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आया होगा कि he is a male person, लेकिन ऐसा नहीं है. George Eliot was a female writer. और इन्होंने आखिर pseudonym क्यों यूज़ किया या फिर pen name बोल सकते हैं क्यों यूज़ किया, उसके पीछे भी logic है. क्योंकि जब हम बात करेंगे new criticism की, like एक दो lecture के बाद ही new criticism start हो जाएगा, जो थ्योरीज है न्यू क्रिटिसिज्म की वो स्टार्ट हो जाएंगी. सो वी विल लुक दैट कि जो न्यू क्रिटिसिज्म था दे वर फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि हमें ऑथर से कोई लेना देना नहीं है, उसके बायोग्राफी से कोई लेना देना नहीं है. वी हैव टू बी प्रिसाइज विद द कंटेंट जो हमारे पास पेज में है, हमारे पास जो टेक्स्ट बुक है, दिस इज द ओनली थिंग वी हैव. ठीक है, हमें बैकग्राउंड से, हिस्टोरिक थिंग से कोई मतलब नहीं है. लेकिन उससे पहले, न्यू क्रिटिसिज्म से पहले, मतलब कि विक्टोरियन टाइम तक की जब हम बात करते हैं, उस टाइम पे क्या था विक्टोरियन तक कि जो क्रिटिसिज्म होता था, अगर कोई पर्सन किसी वर्क को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव वे कोई भी हो सकता है, तो वो ऑथर के बैकग्राउंड के बारे में बहुत इंटरेस्टेड थे कि ऑथर की हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इंटेंशंस क्या हैं, या फिर यू नो उसका फैमिली स्टेटस क्या था. तो जिस टाइम पे ये लिखती थी जॉर्ज एलियट, शी वॉज राइटिंग एट द टाइम ऑफ विक्टोरियन एरा. और विक्टोरियन एरा कैसा था, उस टाइम पे मेल डोमिनेंसी ज़्यादा थी, मेल डोमिनेंसी ज़्यादा थी, कहीं ना कहीं पेट्रार्कल सोसाइटी थी. पेट्रार्कल मतलब जहाँ पर मेल्स की सुप्रीम पावर ज़्यादा होती है, डोमिनेंसी ज़्यादा होती है. तो उस टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं था कि जो एक फीमेल ऑथर के वर्क को पढ़े. जो लोग थे वो इतने ज़्यादा यू नो रिजिड थे, ओपन माइंडेड बिल्कुल भी नहीं थे. उन्हें लगता था कि फीमेल का अगर वर्क है तो वो अच्छा नहीं होगा, उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ नहीं होंगी. दैट्स वाई अ लॉट ऑफ वेमेन राइटर्स ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज, आप कोई भी उठा के देख लीजिए विक्टोरियन एज पे, बहुत सारे ऑथर्स हैं, शार्लोट ब्रॉन्टे हैं या फिर जितने भी ऑथर्स हैं, उन्होंने उस टाइप पे क्या किया था, जीरो नेम यूज़ करे थे, पेन नेम यूज़ करे थे. उसके बाद जॉर्ज एलियट मेल का नाम, मेल का नाम क्यों यूज़ किया, ताकि लोग उस वर्क को सीरियसली लें. अगर ये अपने नाम से बुक पब्लिश करवाती अपनी, मैरी एनीवान के नाम से, लोगों को लगता कि एक वेमेन का वर्क है, इसमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं है. एक चीज़ लोग पढ़ते ही नहीं, सेकंड चीज़ लोग पढ़ते भी तो उसे क्रिटिसाइज़ नेगेटिव वे में ज़्यादा करते, क्योंकि लोग उस टाइम पे इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं थे. तो ये दो तीन रीज़न थे क्यों उस टाइम पे वेमेन को ज़ीरोनिम यूज़ करने पड़े, पेन नेम यूज़ करने पड़े, अंडर द नेम ऑफ अ मेल राइटर उन्हें अपने वर्क्स को पब्लिश करवाना पड़ा, ताकि लोग उनके वर्क्स को सीरियसली लें, उनको अच्छे से उतनी ही रिस्पेक्ट मिल सके जितनी एक मेल ऑथर के वर्क को मिलती थी. सेकेंड चीज़ इम्पॉर्टेंट एक ये भी है कि जब तक कोई भी वर्क हो सकता है, कोई वर्क अच्छा है, लेकिन जब तक कोई दूसरा पर्सन आके उस वर्क के ऊपर अपना क्रिटिसिज्म नहीं लिखेगा, इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं लिखेगा तब तक वो जो वर्क है वो लाइट में नहीं आएगा. आपने देखा होगा बहुत सारे वर्क्स लिखे जाते हैं लेकिन हम उन्हें जानते नहीं हैं. क्यों? क्योंकि किसी और ऑथर ने, किसी और पर्सन ने उस वर्क के बारे में बात नहीं करी है. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके वर्क के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म लिखे, पॉजिटिव लिखे, नेगेटिव लिखे, डजंट मैटर, लेकिन कोई ना कोई उसके ऊपर क्रिटिसिज्म लिखा जाए ताकि वो लाइमलाइट में आ सके. तो जॉर्ज एलियट ने भी दो वर्क लिखे हैं जो कि लाइक अकॉर्डिंग टू थ्योरी प्रोस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट है. जब हम बात करेंगे लिटरेचर की, जब हम बात करेंगे ब्रिटिश लिटरेचर की, वहाँ पर हम देखेंगे इनके वर्क्स को, लाइक मिडल पार्ट्स या फिर जो भी वर्क्स इन्होंने लिखे हैं. लेकिन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी लुकिंग एट हर थ्योरी कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है. इनका एक बहुत फेमस वर्क है एडम बीड, सुना होगा आपने कभी, एक बार पेपर में भी आया था, एक दो बार आई थिंक नेट के पेपर में, उसको छोड़ के. अब एडम बीड जो वर्क लिखा है उसमें इन्होंने एक प्रीफेस ऐड किया था और उस प्रीफेस में इनकी कुछ एस्थेटिक थ्योरी है कि इन्हें कैसा लगता है, क्या फील करती हैं ये अबाउट लिटरेचर और किस तरीके से लिटरेचर लिखा जाना चाहिए. प्रीफेस में इनका पहला मुद्दा ये था कि जो आर्ट आर्टिस्ट का परस्यूट होता है वो ट्रूथ की तरफ होना चाहिए, कि जो पर्सन है, जो आर्टिस्ट है, जो टेक्स्ट लिख रहा है, पोइट्री लिख रहा है, नॉवल लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, वो चीज़ों को जैसा है वैसा ही डिपिक्ट करे. कैसा? मतलब कि ट्रूथ को शो करे, जैसी सोसाइटी है सोसाइटी को वैसा शो करे, जैसे उसने लोगों को देखा है, जैसे किसी पर्सन को देखा उसको उन्हीं तरीके से पोर्ट्रेट करे. सेकेंड आइडिया इनका क्या था, कोई भी आर्टिस्ट होता है ही और शी, उन्हें अपने ही एक्सपीरियंस पे रिलाई होना चाहिए, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उन्हीं चीज़ों को लिखना चाहिए, जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सुना उसके बाद कोई चीज़ लिख दी, आपका अपना एक्सपीरियंस का क्या रहा है, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यू हैव टू राइट दैट थिंग इन योर पर्टिकुलर बुक और टेक्स्ट बुक जो भी आप लिख रहे हैं. तीसरी चीज़ इन्होंने जो बात करी वो थी कि
एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल एज दे आर, विच मीन्स कि जैसे लोग होते हैं आपको उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना है। इनसे बहुत सारे इनके जो व्यूवर्स थे उस टाइम पे, जो ऑडियंस थी इनकी, उन्होंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि आपको जो कैरेक्टर्स है यू हैव टू पोर्ट्रेट इट इन अ वेरी गुड वे और आइदर इन अ एविल वे, लाइक या तो आप अच्छा ही पोर्ट्रेट कर लीजिए या तो बुरा पोर्ट्रेट कर दीजिए, क्योंकि ये मिक्सअप करके अपने कैरेक्टर्स को पोर्ट्रेट करती थी। लेकिन जॉर्ज एलियट वॉज नॉट समवन जो इन सब चीज़ों में बिलीव करे कि एक पर्सन एक्सट्रीमली गुड हो सकता है, एक पर्सन जो है वह एक्सट्रीमली बैड हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनका मानना ये था कि हमें चीज़ें वैसी पोर्ट्रेट करनी है एग्जैक्टली द सेम जैसे कि वो हैं। तो ये क्या करती थी कि अपने अगर कैरेक्टर अच्छा एक कैरेक्टर एक गुड कैरेक्टर बनाया है तो उसमें भी इन्होंने कहीं ना कहीं तीन चार ऐसी क्वालिटीज़ डाली हैं जो फ्लॉज हैं, जो गलतियाँ हैं, जो उसमें चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो ये क्या हुआ कि जैसी चीज़ें हैं आपको उन्हें वैसे ही पोर्ट्रेट करना है। लाइफ इज़ नॉट अबाउट समथिंग कि हर एक चीज़ अच्छी ही होगी या फिर हर एक चीज़ बुरी ही होगी, ऐसा नहीं। अगर आपके पास एक दिन अच्छा है तो हो सकता है एक दिन आपका बुरा भी रहे। अगर एक पर्सन है वो बहुत एक्सट्रीमली गुड है, मे बी इन स्पीकिंग और मे बी इन समथिंग डिफरेंट, कि वो राइटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, देन मे बी हो सकता है कि वो सिंगिंग में अच्छा ना हो, उसमें और भी फ्लॉज हो, वो नेचर में अच्छा ना हो। हो सकता है कोई बाय लुक बहुत अच्छा है लेकिन नेचर में अच्छा ना हो, कोई नेचर में बहुत बेकार हो लेकिन बाय लुक बहुत स्मार्ट हो। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ को जॉर्ज एलियट ने अपने वर्क में रखा है कि इनकी जो थ्योरी थी वो यही थी कि हमें एक्सेप्ट करना है जैसे पर्सन होते हैं। इनकी फोर्थ थ्योरी थी कि हमें एक्सेप्ट करना है चीज़ें नेचर के थ्रू, मतलब कि उनका मानना था कि यहाँ बैठ कर किसी चीज़ के बारे में बुक में पढ़ने से बेहतर है हम जाएं, हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो। अगर मैं लिखना चाहती हूँ, अगर मैं लव अफेयर के बारे में लिखना चाहती हूँ, तो रादर देन सिटिंग इन अ रूम मैं एक नॉवल लेके बैठी हूँ 10-12 उन्हें मैं पढ़ रही हूँ लव अफेयर के बारे में, इनसे बेहतर है मैं खुद जाऊँ वर्ल्ड में एक्सप्लोर करूँ, कुछ कपल्स को नोटिस करूँ, उनके कन्वर्सेशन को नोटिस करूँ और उसके बाद आके मैं लिखूँ। तो क्या हुआ, मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर होगा रादर देन सिटिंग इन अ रूम और आप बंच ऑफ बुक्स लेके बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ चीज़ें मगअप कर रहे हैं। एक वो आर्टिफिशियल हो जाता है कि आप ज़बरदस्ती सीख रहे हैं कोई चीज़, ज़बरदस्ती अपने अंदर उसे अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं जो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो चीज़ें आपके अंदर अपने आप ही आ जाती हैं। इनकी सेकेंड थ्योरी जो कि बहुत फेमस है वो इनकी है विमेन ऊपर, के विमेन के जो नॉवेल्स होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, एंड शी वॉज अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ पर्टिकुलर नॉवल्स। तो ये मेनली एक ऐसे था जो कि इन्होंने पब्लिश करवाया था 1856 में, जिसका नाम था सिली नॉवल्स बाय लेडी नॉवलिस्ट। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि शी इज़ ट्राइंग टू समवेयर मॉक द फीमेल ऑथर्स और फीमेल राइटर्स जो उस टाइम पर लिख रही थी विक्टोरियन टाइम पर। तो इसमें इन्होंने एक टर्म दी है माइंड एंड मिलिनरी नॉवल्स। अब ये टर्म कौन सी है, इसको किस तरीके से इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, सो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड कि जिस टाइम पे लिख रही थी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा फीमेल ऑथर्स नहीं थी। ठीक है, मैंने भी बताया था कि उस टाइम पे विक्टोरियन एरा था, हो भी होंगी अगर कुछ तो उन्होंने ज्यूडोनेम यूज़ करे थे, पेन नेम यूज़ करे थे, कुछ तो है जो हमें पता चल गई ठीक है ये नॉवलिस्ट थे। हो सकता है कि कुछ और नॉवलिस्ट भी रही हों जो कभी लाइमलाइट में ही नहीं आई, या फिर जो हमेशा ही ऐसे गुमनाम सी रह गई मेल ऑथर के नाम के अंडर में ही रह गई। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे ऑथर्स थी, फीमेल ऑथर्स थी, नॉवलिस्ट थी, सिली नॉवलिस्ट थी कुछ ऐसी अकॉर्डिंग टू हर, जो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर लिख रही थी जो कि बहुत ही इंगेजिंग नहीं था, या फिर बिल्कुल ही टाइम पास सॉर्ट ऑफ मटेरियल था। ऐसा नहीं था कि कोई भी पर्सन आए और आपके वर्क को क्रिटिसाइज़ करे, वो उसे ले और उसके बारे में कोई चीज़ें वर्ल्ड को बताए या कोई अपने आर्ग्यूमेंट को आगे रखे। इसकी भी दो चीज़ें इन्होंने बोली। एक चीज़ इन्होंने बोली कि आखिर मिलिनरी वर्ड कहाँ से आया, तो उस टाइम पे विक्टोरियन एरा में ऐसा हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ शॉप, मिलिनरी शॉप होती थी जहाँ पर वो एक बहुत ही फैंसी सी हैट को सोल्ड करते थे। जैसे आपने देखी होगी कुछ ऐसे जो हैट्स आती हैं चारों तरफ से उनका राउंड निकला रहता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, से जब कोई घूमने जाता तब यूज़ करता है उसे। एक तो वहाँ पे कुछ ऐसे ही लगा लीजिए कैप बिकती थी, बहुत ज़्यादा फैंसी सी, ओवर डेकोरेटेड होती थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनमें लगा रखी होती थी। लेकिन इस तरीके की जो हैट होती है वो कैसी होती है,
आप सिर्फ कभी कभी उन्हें यूज़ कर सकते हो, टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज़ कर सकते हो। आप कभी आपने देखा है अपनी रियल लाइफ में अब कि कोई उस हैट को लगा के जा रहा हो? कोई नहीं लगाता, लेकिन जो हमारी दूसरी वाली हैट आती है जो सिर्फ आगे से होती है उसे बहुत सारे लोग लगाते हैं, गर्मी में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं उसे। तो क्या हुआ, इन्होंने बोला जो मिलिनरी नॉबल है वो कैसी है, वो उन हैट की तरह है जो सिर्फ कभी कभी ही यूज़ होती हैं। उनमें इतना ज़्यादा उनको ओवर ब्यूटीफाई करने की कोशिश करी गई है कि वो जो नेचुरैलिटी है वो ख़त्म हो गई, नेचर तो कुछ देख ही नहीं रहा है, सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया। आपने उसे ओवर ड्रेस्ड कर दिया, अपनी नॉवल्स को आपने ओवर ड्रेस्ड कर दिया, आर्टिफिशियल लैंग्वेज भर दी है। प्लस इन्होंने एक और चीज़ क्रिटिसाइज़ करी, वो थी कि उस टाइम पे जो नॉवलिस्ट लिख रही थी उनका सेम ही थीम जा रहा था बार बार। उनका थीम क्या था, बार बार वो किस चीज़ पे लिख रही थी, वो लिख रही थी कि एक वर्चुअस लेडी है। आप प्राइड एंड प्रेजुडिस का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर उस टाइम पे जितनी भी विक्टोरियन एरा पे जितनी भी थी, आपको कहीं ना कहीं सेम आइडिया मिलेगा, सेम प्लॉट लाइन मिलेगी। एक बहुत ही वर्चुअस लेडी है, उसके बहुत सारे सूटर्स हैं, 5-6 उसे लोग पसंद करते हैं, वो कर रहे हैं, एंड सडनली वो उन सबको रिजेक्ट कर देती है, एंड शी गॉट मैरिड विद अ मैन, एक किसी और बंदे से उसकी शादी हो जाती है, और कुछ टाइम बीतने के बाद, कुछ सालों के बाद उसे पता चलता है कि वो जो पर्सन है वो अच्छा नहीं है, वो रिग्रेट करती है अपने डिसीजन को, और लास्ट में वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, अपना कुछ नया स्टार्ट कर लेती है। द सेम प्लॉट लाइन वॉज गोइंग ऑन, और इसी चीज़ को जॉर्ज एलियट ने क्रिटिसाइज किया है कि जितने भी ये जो ऑथर्स हैं, फीमेल ऑथर्स हैं, वो क्या कर रही हैं, दे कैप्ट ऑन द सेम थिंग, वो बार बार एक ही चीज़ को लिख रही हैं, उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और जो लैंग्वेज भी वो लिख रही हैं वो इतनी ज़्यादा सुपरफिशियल है, आर्टिफिशियल है, इतना ज़्यादा ओवर ड्रेस्ड है कि नेचुरैलिटी तो चली गई, कुछ भी नहीं बचा उसमें नेचर जैसा, या फिर हमें लगे कि हाँ ये इंगेजिंग है, कोई पर्सन आए उसको रीड आउट करे या फिर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म पास करे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक लाइन बोली है इस वर्क में, इन्होंने बोला कि अगर एजुकेशन के बाद भी विमेन इस तरीके की नॉवल्स लिख रही हैं तो लोग अपनी जो फीमेल है, हमारी जो डॉटर्स होती हैं या फिर जो फीमेल की जो एजुकेशन है उस पर फोकस क्यों करेंगे। पढ़े लिखे होने के बाद भी जो फीमेल ऑथर्स है वो क्या लिख रही हैं, सिंपली क्रैप। तो लोग विमेन के जो उसकी एजुकेशन है उस पर खर्चा क्यों करेंगे, उस पर फोकस क्यों करेंगे। तो यहाँ पर ज़रूरत है, एक नीड है हमें शिफ्ट की, कि जो विमेन राइटर है वो सीरियस चीज़ों के ऊपर, मैच्योर थीम्स के ऊपर अपने वर्क्स को लिखना शुरू करें, ताकि एजुकेशन की वैल्यू बढ़ सके, और जो एक नाम है कि विमेन के राइटर्स, विमेन के फीमेल के जो वर्क है वो बेकार है, ट्रैश है, उनमें थोड़े से इम्प्रूवमेंट हो सके। जॉर्ज एलियट ने इस वर्क में एक और इशू को डील किया है, वो है कि विमेन शुड राइट इन नेचुरल लैंग्वेज, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए वो लैंग्वेज उसको जिस तरीके से वो यूज़ कर रही हैं, और उसमें कुछ भी प्रीच नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर राइटिंग अ नॉवल देन डोंट इवन ट्राई टू प्रीच समथिंग, क्योंकि नॉवल का मतलब क्या है, पोइट्रीज का मतलब क्या है, इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। एलियट के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि आपको कुछ उसमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है कि आप हर जगह गए अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया दुनिया को, दे हैव नॉलेज, वो कहीं और से ले लेंगे, ठीक है, उनके पास बुक्स हैं जो नॉलेज प्रोवाइड करेंगी, तो नॉवल्स को उस चीज़ में इंडल्ज मत करिए। तो इनका एक मुद्दा यही था। इन्होंने एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बोली है कि हैप्पी एंडिंग का होना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि उस टाइम पे जितनी भी विमेन लिख रही थी, फीमेल राइटर लिख रही थी, इन्होंने सबको क्रिटिसाइज़ किया, सिली नॉवल्स एंड लेडी नॉवलिस्ट में इन्होंने उन्हीं नॉवल्स को क्रिटिसाइज़ किया है जिनमें सब कुछ करके लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग दे देते हैं, ज़बरदस्ती की हैप्पी एंडिंग है, नहीं होना तभी भी दे दिया कि ठीक है सब कुछ सेटल डाउन होगा, नाउ शी इज़ हैप्पी। तो इन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि जो एंडिंग हो वो हैप्पी ही हो, क्योंकि ज़रूरी है कि लाइफ जो है वो लास्ट में सॉर्टेड हो जाती है, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जैसी चीज़ें चलती हैं उसमें नेचुरल होना चाहिए, आप जो चीज़ एब्जॉर्व करते हैं वही चीज़ आपको डिपेक्ट करनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलाकर भी हो सकती है, ये एडम बेट की थ्योरी थी, यहाँ पे भी फॉलो हो जाएगी वो। और सिंपल सी बात है कि हैप्पी एंडिंग ज़रूरी नहीं है, उनका मेन दो ही कंसेप्ट था। माइंड एंड मिलिनरी नॉवल्स में इन्होंने क्या बात करी है कि जो नॉवल्स है वो इतनी ज़्यादा सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए, एजुकेटेड होने के बाद भी अगर आप सिर्फ क्रैप लिखेंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा, आपको अपने थीम्स को मैच्योर करने की ज़रूरत है, हैप्पी एंडिंग होना ज़रूरी नहीं है, और जो लैंग्वेज है वो अच्छी होनी चाहिए, सिंपल सी नेचुरल होनी चाहिए, उसको छोड़ने के बाद प्रीच करने की ज़रूरत नहीं है नॉवल्स में कि आप ज्ञान देने लग गए हर जगह पर। एडम बेट की थ्योरी क्या थी कि जो चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे ही डिपिक्ट करो, कैरेक्टर में 10 क्वालिटी अच्छी है तो 4-5 क्वालिटी आपकी बुरी क्वालिटी भी आपको शो करनी है जो नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि सुपर फ्लॉ है कोई बंदा, उसे फ्लॉ ही नहीं है, फ्लॉलेस कोई भी नहीं होता है, तो आपको जो चीज़ें जैसी हैं वैसे ही डिपिक्ट करनी है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।